तो इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सिर्फ एक स्प्रिंग फोर्स ही है दैट इज इंटरनल ठीक है तो एक तो बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम मैक्सिमेशन ऑफ द स्प्रिंग वो आप में से कईयों को आधा होगा एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है इसमें कि सिक्स के वाली ब्लॉक की मैक्सिमम वेलॉसिटी तो यही होगी फिफ्टीन ड्यूरिंग द मोशन मिनिमम वेलॉसिटी क्या होगी वॉट विल बी द मिनिमम वेलॉसिटी ऑफ सिक्स के जी ब्लॉक ड्यूरिंग द मोशन होगा क्या ये दोनों ब्लॉक सभी ऐसे हैं अब ये सिक्स के वाला ब्लॉक आगे भागेगा तेज स्प्रिंग में अलोंगेशन आएगा तो फोर भी चल पड़ेगा सो ये दोनों ब्लॉक्स आगे भागेंगे और साथ साथ स्प्रिंग का एलोंगेशन ज्यादा कम ज्यादा कम होता रहेगा ठीक है सो वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द मैक्सिमम एलोंगेशन तो देखो इधर एक तो पहले हम ग्राउंड फ्रेम से कर लेते हैं आप इनफेक्ट वीडियो को पॉज करके खुद सोचो मैक्सिमम एलोंगेशन और के जी वाले ब्लॉक की मिनिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग द मोशन नाउ ग्राउंड फ्रेम से अगर हम देखें तो एज सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा एंड वी आल्सो नो दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस जब भी मैक्सिमम होता है या मिनिमम उस वक्त उन दोनों की वेलोसिटी सेम होती है यानी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो जैसे ये कोई फिक्स जगह है ठीक है फिक्स्ड जगह से ये एक ऑब्जेक्ट है डिस्टेंस x पर तो dx अपॉन dt क्या होगा इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस फिक्स्ड रेफरेंस व्हिच इज द एक्चुअल वेलोसिटी v सेम वे अगर ये एक ऑब्जेक्ट है 1 और ये एक ऑब्जेक्ट है 2 ये दोनों ऑब्जेक्ट मूवेबल हैं इनके बीच का डिस्टेंस x है नाउ dx अपॉन dt हमें क्या देगा

ये जानना चाहते हैं कि जिस वक्त एलोंगेशन मैक्सिमम है उस वक्त सिचुएशन क्या होगी तो उस वक्त जब ये एलोंगेशन मैक्सिमम होगा उस वक्त फोर के जी वाले ब्लॉक और सिक्स के जी वाले ब्लॉक की वेलोसिटीज इक्वल होंगी और वो वेलोसिटीज सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बराबर होंगी लेट्स से ये वेलोसिटी आपने बोली वी ये वेलोसिटी भी आपने बोली वी अगर इसकी वेलोसिटी भी वी है उसकी वेलोसिटी भी v है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी v होगी सो इस वक्त सेंटर ऑफ मास यहां पर गई है ठीक है सेंटर ऑफ मास इज आल्सो मूविंग विद अ वेलोसिटी v कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई करो सो p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल इनिशियल लीनियर मोमेंटम है 90 6 15 इस वक्त है 4v 6v 10v तो यहां से v आ गया 9 मीटर्स पर सेकंड ठीक है सो so, जिस वक्त इन दोनों ब्लॉक्स के बीच का सेपरेशन मैक्सिमम होगा यानी स्प्रिंग का एलोंगेशन मैक्सिमम होगा क्योंकि इन दोनों ब्लॉक्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ प्लस तो अब हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मकेनिकल एनर्जी क्योंकि सिर्फ स्प्रिंग फोर्स ही वर्क कर रहा है तो क्योंकि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है तो मकेनिकल एनर्जी कंजर्व करोगे इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी आएगी हाफ इंटू सिक्स इंटू फिफ्टीन का स्क्वायर ये इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी है इस वक्त की मैकेनिकल एनर्जी आएगी हमारे पास हाफ इंटू फोर वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू सिक्स इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर ये एक्सप्रेशन आएगा यहाँ पे आप वी की वैल्यू नाइन सब्सिट्यूट कर देना दिस वी इज इक्वल टू नाइन आपको आंसर मिल जाएगा मतलब फाइनली यू विल गेट दैट कि जो 1/2 kx2 की वैल्यू आएगी दिस 1/2 k x2 इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 270 तो अगर मैं क्वेश्चन में आपको k की वैल्यू दूंगा k की वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में यू कैन आंसर सो कीप दिस इन माइंड इस तरह के जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आए कि दो ब्लॉक्स स्प्रिंग से अटैच्ड है और वो ऑसिलेट करते हुए आगे जा रहे हैं एट द इंस्टेंट ऑफ मैक्सिमम एलोंगेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन अगर मैं इसके बजाय इसको स्पीड देता तो फिर ये क्वेश्चन बनता व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन तो चाहे मैक्सिमम एलोंगेशन हो या मैक्सिमम कंप्रेशन हो उस मूवमेंट पे दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी सेम होगी और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बराबर सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इसलिए मतलब ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज डूइंग वर्क इसलिए मकैनिकल एनर्जी बी कंजर्व सो वी कैन यूज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मकैनिकल एनर्जी इसी क्वेश्चन को आप फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ सी ओ एम भी कर सकते हो वो कैसे करेंगे देखना इधर अगर हम सेम क्वेश्चन को सी ओ एम फ्रेम से करना चाहें सो फ्रॉम सी ओ एम फ्रेम सी ओ एम की वेलॉसिटी हमने देखी ली थी सी ओ एम की देखोगे तो ये फोर के जी का ब्लॉक है ये सिक्स के जी का ब्लॉक है सीओ एम सिक्स के जी वाले ब्लॉक के ज्यादा पास होगा लेटस से हम एक ऐसे ऑब्जर्वर के हिसाब से बात कर रहे हैं अब आप खुद को सोचो कि आप 9 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहे हो आप नाइन से जा रहे हो फोर के जी वाला ब्लॉक एक्चुअली में रुका हुआ था शुरू में सो so, आप अगर से जा रहे हो तो आपको ये नाइन से पीछे जाता हुआ दिखाई देगा तो इसकी वेलोसिटी आपको दिखाई देगी नाइन मीटर पर सेकेंड और ये ये फिफ्टीन से आगे जा रहा था आप 9 से आगे जा रहे हो आप ये ऑब्जर्वर हो अपने आप को इमेजिन करो आप नाइन से जा रहे हो वो फिफ्टीन से तो आपको ये सिक्स से जाता हुआ दिखाई देगा इस तरफ तो जरा एक बात गौर करना फ्रॉम सीओ एम फ्रेम जरा सिस्टम का लीनियर मोमेंटम देखना तो थर्टी सिक्स राइट थर्टी सिक्स लेफ्ट और ये होगा हमेशा किसी भी ये बात को नोट कर लेना बहुत कॉमन सी बात है किसी भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ सीओ एम विल ऑलवेज बी जीरो अब एक्चुअली आसान है और क्वेश्चन ये सीओ एम फ्रेम से देखोगे तो ये दोनों ब्लॉक एक टू बॉडी ऑजिलेटर की तरह दिखाई देंगे सीओ एम फ्रेम से जिस वक्त ये दोनों ब्लॉक ऐसे मूव करते हुए रुकेंगे और एक साथ रुकेंगे ग्राउंड फ्रेम से देखोगे तो हो सकता है एक ब्लॉक रुका हो दूसरा मोशन में हो।, हो सकता है क्या होगा क्योंकि ग्राउंड फ्रेम से अगर मैं देखूं तो इस सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम था 90 तो ग्राउंड फ्रेम से ऐसा पल कभी नहीं आएगा कि दोनों ब्लॉक रुके हुए दिखें फिर तो मोमेंटम जीरो हो जाएगा जबकि ग्राउंड फ्रेम से तो मोमेंटम शुड ऑलवेज बी 90 सी एम फ्रेम से मोमेंटम शुड ऑलवेज बी जीरो तो फ्रॉम द सी एम फ्रेम एम वन वी वन राइट एम टू वी टू लेफ्ट मैग्नीट्यूड वाइज हमेशा बराबर आएंगे सो फ्रॉम सीओ एम फ्रेम क्या होगा एट द इंस्टेंट ऑफ मैक्सिमम एलोंगेशन ये दोनों ब्लॉक्स रुकेंगे नेचुरली वाले ब्लॉक की वेलोसिटी तेज थी तो इसका इसका डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा होगा कम ठीक है इस इंस्टेंट पर स्प्रिंग का एलोंगेशन मैक्सिमम होगा सीओ एम फ्रेम से भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हम कर सकते हैं बिकॉज ओनली स्प्रिंग फोर्स इज डूइंग वर्क तो शुरू में एनर्जी थी सिर्फ काइनेटिक हाफ इंटू फोर इंटू नाइन प्लस हाफ इंटू सिक्स इंटू सिक्स और इस वक्त एक्चुअल में इस वक्त ये दोनों ब्लॉक नाइन से चल रहे होंगे सी एम वाली वेलोसिटी जो हमने ऊपर ग्राउंड फ्रेम से देखा था सीयूएम फ्रेम से ये रुके हुए दिखेंगे सो इस वक्त ये सारी एनर्जी हाफ के एक्सक्र जरा सॉल्व तो करो इसको कितना आ जाएगा ये 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 आप solve करो This is cancel. 168 आएगा ये. Plus 108 आएगा 108 वही पहले भी आया था हाफ के एक्स इज टू सेवेंटी ठीक है सो चाहे सी एम फ्रेम से कर लो चाहे ग्राउंड फ्रेम से अब आता है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सिक्स के जी वाले ब्लॉक की मिनिमम और मैक्सिमम वेलोसिटीज़ तो सुनना ध्यान से ये हमारे सामने फोर के जी वाला ब्लॉक है ये स्प्रिंग है ये सिक्स के जी वाला ब्लॉक है ठीक है हमें इसकी एक्चुअल वेलोसिटी इस वक्त थी पंद्रह मीटर पर सेकेंड हमसे कह रहा है यार इसकी वेलोसिटी बताओ मैक्सिमम एंड मिनिमम इस सिक्स के जी वाले ब्लॉक की ड्यूरिंग द मोशन सबसे तेज स्पीड कब होगी और सबसे कम तो एक बात तो बहुत क्लियर है अगर मैं सिक्स के जी वाले ब्लॉक को अपना सिस्टम मानो तो सिक्स के जी वाले ब्लॉक की वेलोसिटी मैक्सिमम या मिनिमम मतलब डी वी बाई डी टी शुड बी इक्वल टू जीरो मैं खाली सिक्स के जी वाले ब्लॉक की मैं मेरा ध्यान इस वक्त पूरा पूरा सिक्स के जी वाले ब्लॉक पर है मुझसे कहा गया 6 के जी वाले ब्लॉक की वेलोसिटी मैक्सिमम या मिनिमम तो डी वी बाई जीरो यानी ए जीरो और 6 के जी वाले ब्लॉक पे ओनली स्प्रिंग इज गिविंग एक्सेलरेशन इसका क्लियर मीनिंग निकल रहा है जिस वक्त स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर होगा उसी वक्त 6 के जी वाले ब्लॉक की वेलोसिटी या तो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी मैक्सिमम तो यही है बेटे तो इसका मतलब है ये स्प्रिंग दोबारा फिर कभी अपनी नेचुरल लेंथ पर आएगा और उस वक्त ये सिक्स के जी ब्लॉक लेफ्ट को शायद मूव कर रहा हो शायद राइट को वी डोंट नो आप सोचो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि इस ब्लॉक की मैक्सिमम वेलोसिटी तो यही है ड्यूरिंग द एंटायर मोशन मिनिमम क्या होगी ओके ग्राउंड फ्रेम से आप दिमाग लगाना खूब सोचना कैसे कर ये बात मैंने आपको बता दी कि जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पर आएगा तभी वो पॉसिबिलिटी है मिनिमम स्पीड वाली सीओ एम फ्रेम पे चलते हैं जरा तो सीओ एम फ्रेम पे चले तो ये रहा सीओ एम वी नो सीओएम की वेलोसिटी सीओएम एम फ्रेम से अलग डायग्राम बना लेते हैं सीओ एम फ्रेम की वेलोसिटी है यहां पर नाइन मीटर्स पर सेकेंड दिस इज नाइन तो सीयूएम फ्रेम से इसकी वेलोसिटी हमें दिखाई देगी सिक्स और इसकी वेलोसिटी दिखाई देगी नाइन पीछे वो पहले भी हम देख चुके हैं सो नाउ यूज दैट सो फ्रॉम सीओ एम फ्रेम क्या होगा ये ब्लॉक फोर के जी वाला इधर जा रहा होगा नाइन की स्पीड पर शुरुआत में और ये सिक्स के जी वाला ब्लॉक इधर जा रहा होगा एट सिक्स मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू दिस सीओम जो खुद आगे जा रहा है नाइन से ठीक है ये तो हमें बहुत क्लियर पता है अब सीयूएम फ्रेम से ये दोनों ब्लॉक से ऐसे आगे जाके एक साथ रुकते हुए दिखाई देंगे और फिर वापस आएंगे ये हमें पता है कि 6 केजी वाले ब्लॉक की वेलोसिटी मैक्सिमम या मिनिमम तभी होनी है जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे तो जब ये वापस आएंगे वापस इसी मूवमेंट पे ये आगे गए रुके वापस आए तो वापस जब अपना स्प्रिंग वापस नेचुरल लेंथ पे आएगा तो बिल्कुल एस एच एम वाली कंडीशन है इसकी वेलोसिटी वापस इस डायरेक्शन में नाइन होगी इसकी वापस इस डायरेक्शन में 6। ये सिक्सएम से दिख रहा है इस ऑब्जर्वर को। तो इस वक्त जो सिक्स के जी वाले ब्लॉक की वेलोसिटी है वो मिनिमम है उसमें भी नोट करना इस, उसमें भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है मैं बताता हूं अभी इस वक्त नाउ so ये सिक्स

जो मिनिमम वेलोसिटी आएगी ड्यूरिंग द मोशन वो आएगी थ्री राइट right को तो इसका मतलब है इस पूरे मोशन के दौरान इस 6 वाले ब्लॉक की वेलोसिटी पंद्रह से लेके तीन तक वेरी करती रहेगी फ्रॉम फिफ्टीन टिल थ्री सिक्स के जी वाला ब्लॉक कभी भी ग्राउंड फ्रेम से लेफ्ट को नहीं चलेगा ये हमेशा आगे ही चलेगा इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी पंद्रह और मिनिमम स्पीड होगी तीन अगर अगर यहां पर यह आंसर आपका निगेटिव आ जाता देखो यह तो तुमने मैथ्स लगा दी तुमने कहा भाई जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे तो इस पर एक्सलरेशन वेलोसिटी मैक्सिमम या मिनिमम यह माइनस थ्री आ जाता तो फिफ्टीन से माइनस थ्री जाता बट फिजिक्स के हिसाब से हम देखें मैं आपसे कहूं यार मिनिमम स्पीड बताओ तो वो तो फिर जीरो आंसर देते जब रुकता मैं इसमें यह भी पूछ सकता था आपसे बताओ सिक्स के जी वाला ब्लॉक ग्राउंड फ्रेम से कभी रुकेगा क्या तो आंसर इज नो कभी नहीं रुकेगा फिफ्टीन से थ्री है थ्री से नहीं टू मीटर पर सेकेंड वन मीटर पर सेकेंड भी वेलोसिटी अटेन नहीं करेगा कभी भी ठीक इस पे आ जाओ फोर पे इसकी मिनिमम स्पीड कितनी है जीरो जो उस वक्त थी ग्राउंड फ्रेम से मैक्सिमम ये एटीन आएगी नाइन और ये खुद नाइन से जा रहा है तो आप इसी मेथड से सॉल्व करो एटीन तो इस क्वेश्चन में फोर के जी वाले ब्लॉक की वेलोसिटी ड्यूरिंग द एंटायर मोशन ग्राउंड फ्रेम से मिनिमम जीरो आएगी मैक्सिमम एटीन आएगी ये जो मैंने वाली बात बोली, एक आपको इसके लिए क्वेश्चन देता हूं आप खुद सॉल्व कर दो ये सिचुएशन ले, ले लेना कि ब्लॉक इधर वाला ब्लॉक है लेन के जी का ये स्प्रिंग लगा हुआ है नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग इस वक्त सिक्स के जी का ब्लॉक है और इस सिक्स के जी वाले ब्लॉक को हमने वेलोसिटी दी फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड अब इस पे आपका क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज द मिनिमम स्पीड ऑफ द सिक्स के जी ब्लॉक ड्यूरिंग मोशन सॉल्व करके देखना सीयूएम फ्रेम से माइनस में आंसर आएगा दैट मीन्स कि 15 मैक्सिमम से निगेटिव मैथ्स ने तो अपना आंसर दे दिया उसने तो देखा भाई नंबर उसने कहा 15 मैक्सिमम है माइनस थ्री मिनिमम है बट बीच में जीरो भी आ गया यानी उस वक्त ये ब्लॉक रुक रहा होगा तो अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द मिनिमम स्पीड ऑफ दिस सिक्स के ब्लॉक ड्यूरिंग द एंटायर मोशन चेक करके देखना जीरो आंसर आएगा ठीक है इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना नाउ आगे चलते हैं तो इस तरह के कई क्वेश्चन आप कर सकते हो ब्लॉक्स को मैं एक ब्लॉक को इधर फेंक दू एक को इधर फेंक दू तो जरूरी नहीं है दोनों एक साथ रुकेंगे लीनियर मोमेंटम सिस्टम का चेक करना अगर मैं आपसे स्प्रिंग का मैक्सिमम एलोंगेशन या मैक्सिमम कंप्रेशन पूछूं तो कंडीशन इज दैट ओनली जिस वक्त दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटीज बराबर होंगी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बराबर नाउ इस तरह के क्वेश्चंस जहां पर अस से ये ब्लॉक है मास एम वन का इस पे हमने ये स्प्रिंग अटैच किया एंड दिस ब्लॉक इज ऑफ मास इस वक्त अपनी नेचुरल लेंथ पर है स्प्रिंग का मैक्सिम एलोंगेशन बताओ तो दिस इज वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन क्योंकि आपने दोनों तरफ फोर्सेज बराबर लगाए है. तो इस केस में क्या होगा क्योंकि दोनों तरफ से फोर्सेज बराबर है तो इस सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा ठीक है एफ उधर एफ इधर, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो तो COM तो रेस्ट पर रहेगा लेट से सी एम यहां पर है एम टू भारी था तो मान लो एम टू के पास है तो ये क्वेश्चन आप सीओ एम फ्रेम से करो या ग्राउंड फ्रेम से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सी एम खुद ही रेस्ट पर है तो इस केस में क्या होगा ये दोनों ब्लॉक्स पीछे हटना शुरू होंगे जब तक F की वैल्यू स्प्रिंग फोर्स से बड़ी है आप सिर्फ आप सिर्फ M2 को सोचो सिर्फ M2 को F उधर लग रहा है स्प्रिंग फोर्स पीछे आएगा जब यह चलना शुरू होंगे जब तक F बड़ा है स्प्रिंग फोर्स से M2 टू एक्सेलरेट होगा आप सोचो ना आपने एक ब्लॉक पे फोर्स लगाया दस न्यूटन पीछे से फोर्स आया दो न्यूटन तो नेट फोर्स कितना है आठ मोशन की तरफ अब यह थोड़ा और आगे गया स्प्रिंग फोर्स थोड़ा और बड़ा हुआ अब आपका फोर्स है दस स्प्रिंग फोर्स है सात अभी भी नेट फोर्स मोशन की तरफ है जब तक नेट फोर्स मोशन की तरफ है ब्लॉक एक्सेलरेट होगा तो ये एक्सेलरेट होता रहेगा एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कम होता रहेगा बट है तो एक्सेलरेशन तो ये एक्सेलरेट होता रहेगा एक मोमेंट ऐसा आएगा जिस वक्त स्प्रिंग का फोर्स एफ के बराबर होगा दिस इज एम वन दिस इज एम टू इस मोमेंट पे स्प्रिंग का फोर्स मान लो ये एम टू ने एम वन ने इधर मूव किया लेट्स से कुछ भी ए डिस्टेंस एम टू ने इधर मूव किया बी डिस्टेंस स्प्रिंग का एलोंगेशन होगा ए प्लस बी तो इस वक्त के टाइम्स ए प्लस बी इसकी वैल्यू एफ के बराबर आएगी ठीक है सिली मिस्टेक मत करना लिख दो स्प्रिंग को कोई मतलब नहीं है कि उधर एलोंगेट और इधर एलोंगेट स्प्रिंग का टोटल एलोंगेशन है ए प्लस बी तो इस वक्त स्प्रिंग का फोर्स ए प्लस बी एफ के बराबर तो अब आप बेसिक सोचो एम टू पर नेट फोर्स जीरोलोरेशन इस वक्त जीरो है इस वक्त एम टू की ठीक है सेम वे एम वन की वेलोसिटी भी इस वक्त मैक्सिमम होगी अगर m1 की वेलोसिटी इस वक्त है v1, m2 की वेलोसिटी इस वक्त है v2, टू एम इक्वल टू एम टू आएगा क्योंकि इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम शुरू में जीरो था तो अभी भी जीरो होगा बिकॉज कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है इस सिस्टम पर ठीक है सो नाउ हमें ये पल नहीं चाहिए हमें तो मैक्सिमम एलोंगेशन चाहिए था अभी तो ब्लॉक्स मैक्सिमम वेलोसिटी पे आए हैं इस स्टेज से इस स्टेज तक ब्लॉक लगातार एक्सेलरेट हुआ है एक्सेलरेशन कम होता गया था मान लो आपका एक्सेलरेशन है पांच तो आपकी वेलोसिटी पांच से बढ़ रही है अब एक्सेलरेशन हो गया चार, चार से बढ़ रही है बट बढ़े तो रिटार्डेशन जब आएगा तब वेलोसिटी घटेगी इस पल के बाद रिटार्डेशन आएगा सो so इसके बाद ये दोनों ब्लॉक्स रिटार्ड होते होते एक साथ रुकेंगे लेट से एम जब रुका तो उसका डिस्प्लेसमेंट है एक्स एम टू जब रुका तो इसका डिस्प्लेसमेंट है एक्स टू ठीक है तो ये स्प्रिंग इस वक्त मैक्सिमम एलोंगेटेड है इस इस वक्त इस स्प्रिंग का मैक्सिमम एलोंगेशन है अब क्या कंसेप्ट लगाएंगे हम यहां पर अब हम ये कहेंगे कि इस स्टेज वन से लेकर इस स्टेज थ्री तक ये आप मत कहा करो कभी सर सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो तो एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क डन भी जीरो गलत अगर एक सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है जैसे इस केस में है एफ राइट एफ लेफ्ट बट वर्क डन बाय देम इज नॉट इधर ये एफ भी पॉजिटिव वर्क कर रहा है, X2, ये भी कर गया एफ इन टू एक्स वन तो इस बात को भी नोट करना आदत पड़ जाती है ना आपकी जल्दी बाजी में अच्छा नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो इफ ऑन अ सिस्टम नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो ज नॉट मीन वर्क डन बानल फोर्सेज इज ऑल्सो जीरो सो इस केस में वी अप्लाई वर्क डन बास इज इक्वल टू चेंज इन मकैनिकल एनर्जी वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज इज चेंज इन कायनेटिक वर्क डन बाय कंजर्वेटिव निगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल वर्क डन बाय अदर फोर्सेज कंजरवेटिव के अलावा जो भी है उनका वर्क डन इज चेंज इन मकैनिकल सो एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क अब मैं स्प्रिंग फोर्स का वर्क नहीं लूंगा आई टेक ओनली वर्क डन बाय फोर्सेस अदर देन कंजर्वेटिव यानी स्प्रिंग और ग्रेविटी के अलावा सो एफ इन टू एक्स टू प्लस एफ इन एक्स वन इस वक्त ये ब्लॉक भी रेस्ट पे है ये ब्लॉक भी रेस्ट पे है तो इस वक्त काइनेटिक एनर्जी जीरो इस वक्त भी जीरो इस वक्त स्प्रिंग एनर्जी है हाफ के एक्स वन

आप सिली मिस्टेक्स नहीं कर रहे हो आई एम टेलिंग यू आप इजिली अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो लास्ट एक क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का जिसमें हमने फोर्स सिर्फ एक ब्लॉक पे लेट्स से इस ब्लॉक का मास एम वन इस ब्लॉक का मास एम टू स्प्रिंग शुरू में नेचुरल लेंथ पर है और मैंने फोर्स सिर्फ एम टू पर लगाया तो इसमें भी वही क्वेश्चन है वॉट इज द मैक्सिमम एलॉन्गेशन ऑफ द स्प्रिंग ठीक है ये हमें ढूंढना है कि इस स्प्रिंग का मैक्सिमम कितना होगा तो सोचो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके अच्छे से दिमाग लगाओ ग्राउंड फ्रेम से इस क्वेश्चन को करने में सॉल्व बड़ी मुसीबत आएगी सेंटर ऑफ मास फ्रेम से करेंगे पिछले क्वेश्चन में ग्राउंड फ्रेम से करो या सी यू एम फ्रेम से करो सिचुएशन वॉज सेम इस क्वेश्चन में फर्क है तो सी यू एम फ्रेम हमें मैक्सिमम एलोंगेशन चाहिए और एक बात समझना ध्यान से ये एक ऑब्जेक्ट है ये एक ऑब्जेक्ट है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस है मान लो दस मीटर मैं रेस्ट पे खड़ा हूं मेरे लिए ये डिस्टेंस दस मीटर है आप मोशन में हो वेलोसिटी थोड़ी बहुत ही है लाइट की स्पीड के आसपास नहीं आप मोशन में हो तो आपको ये पीछे जाते हुए दिखाई देंगे बट इन दोनों के बीच का गैप आपको दस मीटर ही दिखाई देगा तो दो बॉडीज के बीच का डिस्टेंस चाहे आप ग्राउंड फ्रेम से देखो या मूविंग फ्रेम से वो सेम दिखेगा तो इस क्वेश्चन में इन दोनों ब्लॉक्स के बीच का जो डिस्टेंस मैक्सिमम होगा यानी जब स्प्रिंग मैक्सिमम एलोंगेट होगा वो पल पे इन दोनों ब्लॉक्स के बीच का डिस्टेंस ग्राउंड फ्रेम से देखो या किसी मूविंग फ्रेम से सेम दिखेगा हेंस जो स्प्रिंग का मैक्सिमम एलोंगेशन आना है वो ग्राउंड फ्रेम से जितना दिखेगा नॉन इनर्शियल से भी उतना ही दिखाई देगा ठीक सो so मैं सीओ एम फ्रेम पे चलता हूं एम टू मान लो भारी है तो सीओ एम यहां पर होगा दिस इज सीओ एम एम का एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा नेट एक्सटर्नल फोर्सेस बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम एम वन प्लस एम टू यह आ गया सीओ एम का एक्सेलरेशन तो अगर मैं ऊपर वाले इन दोनों ब्लॉक्स को सी ओ एम फ्रेम से ऑब्जर्व करूं, ठीक है तो सी ओ एम फ्रेम से अगर हम ऑब्जर्व करेंगे इस सिचुएशन को तो ये सिचुएशन हमें ऐसी दिखाई देगी कि ये हमारे पास है ब्लॉक ऑफ मास एम वन ये स्प्रिंग है इस वक्त अपनी नेचुरल लेंथ पर एम टू एम टू पर एक एक्सटर्नल फोर्स तो हमने लगाया ही था नाउ वी आर वर्किंग फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ सी ओ एम क्योंकि सीओ एम का एक्सेलरेशन आगे की ओर है ए सी तो इस पर शिवडो फोर्स आएगा पीछे की ओर एम टू ए सी अब आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो जो ए सी से राइट right को जा रहा है इस पर श्यूडो फोर्स पीछे की ओर हम लगाएंगे एम वन ए सी चेक करो जरा अब स्प्रिंग को छोड़ो अभी आप ये देखो कि M2 पर अदर देन द स्प्रिंग व्हाट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स F माइनस एम टू ए सी सो एफ माइनस एम टू एसी इसकी वैल्यू देखो जरा M2 और ए सी की वैल्यू कितनी है F अपॉन एम वन प्लस एम टू इसको सॉल्व करो एफ एम टू कैंसल हो जाएगा ये आ जाएगा एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू टाइम्स एफ ये आएगा ठीक है Let me call it as F इसकी वैल्यू देखो जरा कितनी आ रही है एम वन ए सी इसकी वैल्यू आएगी एम वन इन टू ए सी है वैल्यू भी आएगी एफ डैश यानी सीओ एम फ्रेम से देखेंगे तो इस एम टू पर नेट एक्सटर्नल फोर्स और एम वन पर नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट आ रहे हैं सो फ्रॉम सी ओ एम फ्रेम हमें सिचुएशन ऐसी दिखाई दे, देगी कि ये ब्लॉक है M1 वन इसपे नेट एक्सटर्नल फोर्स है F- डैश ये जो F- डैश ऊपर मैंने देखा था और M2 पर भी नेट एक्सटर्नल फोर्स है F- डैश इक्वल दिस इज फ्रॉम सी ओ एम फ्रेम होना ही था आप सीओ एम पर हो तो आपको सी एम का एक्सेलरेशन कितना दिखाई देगा जीरो C -O -M का एक्सेलरेशन जीरो मतलब सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो सो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से आपको एक सिस्टम का लीनियर मोमेंटम भी हमेशा जीरो दिखाई देगा सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्सेस भी हमेशा नेट फोर्स जीरो दिखाई देगा तो अब फ्रॉम सी ओ एम फ्रेम ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा हो गया वहां पर इक्वेलट ऑपोजिट फोर्सेस एफ थे यहां एफ डैश तो फिर ये वही होगा ये एक्स टू आगे गया ये X1 आगे गया वर्क डन बास एफ डैश इंटू एक्स टू प्लस एफ डैश इंटू एक्स वन दैट इज इक्वल टू हाफ के एक्स वन प्लस ये क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास के फ्रेम से बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा दिखेगा तो मैक्सिमम एलोंगेशन इस केस में आ जाएगा टू एफ डैश बाई के एफ डैश की वैल्यूम ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं ठीक है दिस इज ऑल अबाउट सीयूएम जो हमने चार पार्ट में डिस्कस किया अब अगले पार्ट में हम कोलिजन डिस्कस करेंगे कोलिजन में हमने हेड ऑन कोलिजन सारे केसेस इलास्टिक इन इलास्टिक वगैरह डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे एंड ऑब्लिक कोलिजन के बारे में ठीक है ओके okay, बेटे